गिरिडीह बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो कार्यालय के समीप एक तेज रफ्तार दिल्ली नंबर इनोवा कार के सामने से आ रही हुंडई इयोन कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इयोन कार के दाहिने हिस्से के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस दुर्घटना में इयोन कार में सवार चार लोगों में से दो लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि शहरी क्षेत्र के कोलडीहा निवासी सुमित यादव और अपने पिता रामजी यादव और एक अन्य व्यक्ति राजेश यादव के साथ बैंक कार्यों को लेकर गिरिडीह आया हुआ था। बैंक का काम निपटाकर तीनों व्यक्ति अपने कार से वापस घर की ओर लौट रहे थे। इसी दरमियान झामुमो कार्यालय के समीप यह घटना घटी। यौन कार में सवार रामजी यादव और राजेश यादव के सर फट गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। टक्कर के बाद इनोवा कार चालक वाहन लेकर फरार हो गया था। इसी बीच कार समेत चालक को दबोच लिया गया। फिलहाल इनोवा कार और ड्राइवर को नगर थाना पुलिस थाना ले गई है। सामने से टक्कर हुआ था। कहाँ जा रहे थे आप? हम कोलिया जा रहे थे, हमारा घर कोलिया हुआ। किसी को इसमें नुकसान, उसको चोट आया क्या? किसी को चोट आया? चोट आया, मेरे फादर को पीछे चोट बैठे थे उसको भी चोट आया। कितना लोग घायल है? दो आदमी घायल हुए। क्या नाम है उनका? मेरा एक फादर है, रामजी यादव नाम है। कहाँ का रहने वाला? गोलिया का रहने वाला। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग अपने को लेके घर जा रहे हैं। कहाँ? गोलिया। हाँ, बस स्टैंड से गोलिया लेके जा रहे हैं। और जो मारा सामने से टक्कर, वो कहाँ गया? वो इनोवा का जीजी माला है। कौन सा गाड़ी था उसका? इनोवा गाड़ी था, व्हाइट कलर, दिल्ली नंबर गाड़ी का नंबर था। क्या नाम है आपका? मेरा सुमित यादव नाम है।